चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक अब सन मिशन की तैयारी कर रहे हैं। सन के कोरोना की स्टडी करने के लिए और अर्थ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में बाधा पैदा करने वाली सोलर फ्लेम्स की जानकारी हासिल करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो जल्द ही आदित्य L1 सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। इसरो के लिए साल 2023 इंटरप्लेनेटरी मिशन का साल कहा जा सकता है। आज की वीडियो में मिशन आदित्य L1 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आदित्य L1 मिशन सन को स्टडी करने के लिए भेजा जाने वाला इंडिया का फर्स्ट स्पेस मिशन होगा। ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पे प्लेस होने वाला भी इंडिया का फर्स्ट मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन का नाम संस्कृत वर्ड आदित्य से लिया गया है जिसका मतलब है सूर्य, और L1 का मतलब है वो लैग्रेंज पॉइंट जहाँ पे इसे प्लेस किया जाएगा। इनिशियली 2008 में इसरो ने जब पहली बार अनाउंस किया था इस मिशन को, तब आदित्य L1 मिशन का नाम आदित्य 1 था। आदित्य 1 का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सन के कोरोना को स्टडी करना था। इनिशियली आदित्य 1 की कल्पना 400 kg पेलोड सैटेलाइट के रूप में की गई थी, जो कि विजिबल एमिशन 9 कोरोनोग्राफ दैट इज VELC नाम के पेलोड को कैरी करता हुआ लोअर अर्थ ऑर्बिट में एस्टैब्लिश हो जाता। बट लेटर ऑन इसरो ने इस प्लान में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। दे डिसाइडेड कि अब वो इस सैटेलाइट को अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर लैग्रेंज पॉइंट 1 के अराउंड हैलो ऑर्बिट में प्लेस करेंगे। इसी वजह से आदित्य 1 का नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। लैग्रेंज पॉइंट्स का नाम इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। ये हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे पोजीशंस हैं जहां किन्हीं दो प्लेनेटरी बॉडीज का ग्रेविटेशनल पुल एज वेल एज स्पीड ऑफ देयर ऑर्बिट मिलकर एक संतुलन बनाती हैं। और इन पोजीशंस की परिक्रमा करने में बहुत कम एनर्जी लगती है, सो दीज पोजीशंस कैन बी यूज्ड बाय स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन नीडेड टू रिमेन इन पोजीशन। अर्थ एंड सन के अराउंड टोटल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। इसरो आदित्य L1 सैटेलाइट को L1 पॉइंट पे प्लेस करेगा, बिकॉज L1 पॉइंट पे प्लेस करने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि सैटेलाइट बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के 24/7 सन को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर सकता है। इससे साइंटिस्ट को सन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, वो भी बिना किसी रुकावट के। इस मिशन को L1 पॉइंट के हैलो ऑर्बिट में पहुंचने के लिए अप्रॉक्स 109 डेज लग जाएंगे। आदित्य L1 मिशन सन के कोरोना, क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर को स्टडी करेगा। इसके अलावा ये सोलर इरप्शंस एंड सोलर सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में वेरिएशंस को भी स्टडी करेगा। चलिए अब जरा इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को जरा डिटेल में समझते हैं। आदित्य L1 मिशन कोरोनल हीटिंग के पीछे के मिस्टीरियस रीजंस को समझने में हेल्प करेगा। ये सैटेलाइट सन के डिफरेंट लेयर्स का साइमल्टेनियस इमेजेस कैप्चर करेगा, सो दैट ये पता चल सके कि सन के डिफरेंट लेयर्स के बीच एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। ये मिशन कोरोनल मास इजेक्शंस यानी कि CMEs की मिस्ट्री को भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा। दिस विल हेल्प साइंटिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग सोलर इरप्शंस इन अ बेटर वे। इसके अलावा साइंटिस्ट को ये समझने में हेल्प मिलेगी कि सोलर इरप्शंस अर्थ पे कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करता है। इस तरीके से आदित्य L1 मिशन सन के डायनामिकल प्रोसेस को समझने में हेल्प करेगा और सोलर फिजिक्स एंड हेलियो फिजिक्स के मेजर मिस्ट्रीज को सॉल्व करेगा। अब हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के पेलोड्स की। आदित्य L1 मिशन में टोटल 7 पेलोड्स भी भेजे जाएंगे। ये पेलोड्स सन के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड सबसे बाहरी परत कोरोना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की मदद से स्टडी करेंगे। इनमें से 4 पेलोड्स लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे और बाकी 3 पेलोड्स सिचुएशंस के हिसाब से पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट इज PSLV को यूज किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सन की स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो चलिए अब जरा इसे डिटेल में समझते हैं। एवरी प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ एंड एक्सोप्लैनेट्स विच आर बियॉन्ड सोलर सिस्टम इवॉल्व्स एंड एवोल्यूशन उसके पेरेंट स्टार द्वारा गवर्न्ड होता है। सोलर वेदर एंड एनवायरमेंट पूरे सिस्टम के मौसम को प्रभावित करता है, इसलिए सन की स्टडी करना इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इस वेदर में वेरिएशंस सैटेलाइट्स की ऑर्बिट को बदल सकती है या उनकी लाइफ को छोटा कर सकती है, ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज कर सकती है और अर्थ पर पावर ब्लैकआउट्स एंड अदर डिस्टर्बेंसेस को कॉज कर सकती है। स्पेस वेदर को समझने के लिए सोलर इवेंट्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ डायरेक्टेड स्टॉर्म्स के बारे में जानने के लिए और उन पर नज़र रखने और उनके इम्पैक्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए कॉन्टिन्यूस सोलर ऑब्जर्वेशन की नीड है।